हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रभा दुबे ब्लॉग। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मोज़रेला चीज़ घर पर बनाने की बहुत ही आसान विधि। फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसानी से बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत ही कम टिप्स के साथ बनकर तैयार हो जाता है। आइए हम देखते हैं कैसे बनता है। इसके लिए क्या क्या चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए है 1 लीटर मिल्क, वो भी फुल फैट है, और ये मैंने भैंस का दूध इस्तेमाल किया है। और मुझे ये कटोरी में मैंने विनेगर लिया हुआ है, ये वाइट विनेगर है। हम 2 चम्मच विनेगर लेंगे और 2 चम्मच ही इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छी तरह से दूध को फाड़ दे। और ये हमने गर्म पानी लिया है और इसमें हमने नमक डाल के रखा है। दूध को हमने बहुत ही लो फ्लेम पर चढ़ाया है, क्योंकि फ्रेंड्स हमें दूध उबालना नहीं है, ये कच्चा ही दूध है, कच्चा ही रहने देना है, दूध को उबाल नहीं आना है इसमें। बस ये चेक करते रहना है कि दूध बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए, क्योंकि यदि दूध बहुत ज़्यादा गर्म हुआ और हमने विनेगर ऐड किया तो फिर इसमें ये फट जाएगा और छेना बन जाएगा। आज हमें चीज़ बनाना है, तो चलिए फिर से मैं अपनी फिंगर डालकर चेक करती हूँ। ये देखिए, इतना दूध इतना गर्म है कि मेरी फिंगर इसको सह पा रही है। अब मैं इसमें विनेगर ऐड करती हूँ। विनेगर भी आप चम्मच से ही थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें, जितनी ज़रूरत हो उतनी। अभी आप देखिएगा कितनी आसानी से चीज़ निकल के आ जाता है। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि दूध हमारा बिल्कुल भी बहुत तेज गर्म ना हो, फिंगर डिप करने लायक ही गर्म। फिर चम्मच से चलाते हुए हम धीरे धीरे चेक करते रहेंगे कि हमारा चीज़ निकल के आ रहा है कि फिर हम इसमें चाहें तो 1 चम्मच और विनेगर ऐड कर सकते हैं। और देखिए, मैंने केवल 4 चम्मच ही ऐड किया था और ये देखिए चीज़ बाहर आना शुरू हो गया है। ये इसी तरह से धीरे धीरे बाहर आता है। इसे अब हमें इसी हाल में कम से कम 10 मिनट के लिए रखना होगा, तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा चीज़ बाहर आना शुरू हो जाएगा। 10 मिनट के बाद हम सारा चीज़ हाथ के द्वारा इकट्ठा कर लेंगे। आप चाहें तो स्ट्रेनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इसमें क्या है कि थोड़ा थोड़ा चीज़ भी कहीं कहीं हो जाता है तो वो हाथ से अच्छी तरह से निकल जाता है। और हमें दबाना तो हाथ से ही है, अच्छी तरह दबा दबा के इसको हमें बहुत ही अच्छे से इसका पूरा पानी जो है वो निकाल लेंगे। अब इसे हम गर्म पानी में, जो हमने नमक डाल के लिया था बहुत ही गर्म पानी में, इसको हम ऐसे ऐसे डिप कर रहे हैं। गर्म पानी नमक वाला इसलिए इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स कि एक तो विनेगर का खट्टापन सारा निकल जाता है, दूसरी चीज़ हमारा चीज़ में हल्का सा सॉल्टी चीज़ भी बनकर तैयार होता है। ये आपको कम से कम 4 से 5 मिनट तक करना ही है। बार बार डिप करें, निचोड़ें, और जब अच्छी तरह से डिप हो जाए तो फिर हमें इसको अच्छी तरह हाथों से मसल जोड़ के एक बॉल बना लेना है। देखिए कितनी अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब इसको हमने एक प्लास्टिक बैग में डाला है, आप चाहे तो किसी बॉक्स में भी डाल सकते हैं, डिब्बे में, छोटी डिब्बे में। ये देखिए, मैंने अच्छे से प्लास्टिक बैग में कवर कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुका है। अब हमारा जो ये चीज़ बनाया है ये बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो चुका है। आइए अब देखते हैं कि हमारा चीज़ अच्छी तरह बना है कि नहीं। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि सबसे पहले हम अपने चीज को हीट करें और एक पैन गरम करके ज़रा हम इसमें टेस्ट कर लेंगे। देखिए, पैन गरम हो गया है, मैंने इसमें हीट किया हुआ थोड़ा सा चीज़ डाल के देखा है। ये टेस्ट करना इसलिए ज़रूरी है कि यदि मान लीजिए ये अच्छी तरह से आपका पीसता है, आपसे पीस के देख लीजिए, चाहिए तो आप कुछ पिज़्ज़ा वगैरह बनाते हैं तो इसमें डाल के देख लीजिए। देखिए, मैं यहाँ पे आपको स्पैचुला से दिखाती हूँ कि देखिए कितनी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है और कुछ इसमें खिंचाव नहीं है। ये हाथ से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, सबसे अच्छी बात ये है कि घर में जो हम चीज़ बनाते हैं उसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं होते हैं, और ये अच्छी तरह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा रखता है, तो हमें थोड़ा सा घर में भी चीज़ बनाकर जरूर देखना चाहिए। देखिए, सेकेंड टर्म ये है कि मैंने इसको पूरी तरह से ग्रेट कर लिया है। अब मैं इसमें ग्रेड में आपको दिखाती हूँ, ये थोड़ा बहुत पिसता है। हमने अपने पेट को सेक लिया है, कितनी देर रख दिया है।
जाए, इसलिए हमने इसको थोड़ा ढक करके रख दिया। ढकने के बाद भी हम 2-5 मिनट देख लेंगे, जैसे ही मेल्ट होना शुरू होगा फिर हम इसका ढक्कन उठा के इसको टेस्ट कर लेंगे। देखिए अच्छी तरह से मेल्ट हो रहा है, कहीं कहीं रह गया है तो मैं इसको थोड़ी देर और छोड़ती हूँ इसी तरह। अब देखिए ये अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है, पिघल गया है एकदम। इसको चाकू से काट के देखते हैं, ये खाने में बिल्कुल मार्केट जैसा लगता है। थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर वैसा नहीं रहता क्योंकि इसमें तो बहुत से कोई से प्रिजर्वेटिव डलते हैं जिसके कारण उसमें इतना लचीलापन आता है, और जो हमारा घर का चीज़ है ये भी कम नहीं रहता है। देखिए आप कितनी अच्छी तरह से मैं तोड़ती हूँ ब्रेड को, ये देखिए खिंच रहा है बिल्कुल, ये देखिए कितना अच्छा स्ट्रक्चर आया है। तो फ्रेंड्स आप भी ये होममेड चीज़ घर पर ज़रूर ट्राई करें, टेस्ट में बिल्कुल मार्केट जैसा ही ये लगता है। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ अपना कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।